हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? आप सबका फिर स्वागत हमारी एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने जियो के सिम का नेट बैलेंस या आपका जो पैक का वैलिडिटी रहता है या एसएमएस पैक जो भी आपने डाला रखा है वो सब आप कैसे चेक कर सकते हो। आप जो कि है दो तरीके से बेसिकली इसको चेक कर सकते हो। एक तो है ऑनलाइन, ठीक है, मतलब कि आप इंटरनेट का यूज़ करके चेक कर सकते हो, और दूसरा है ऑफलाइन, मतलब कि आप जो कि है बिना इंटरनेट का एक नंबर पर कॉल करके भी चेक कर सकते हो। तो पहले जो कि मैं ऑनलाइन मेथड बता रहा हूँ जो कि इंटरनेट से चेक होता है, फिर उसके बाद बिना इंटरनेट से चेक होने वाला भी मेथड आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको इंटरनेट से चेक करना है तो आपके फोन में माई जियो का ऐप रहना चाहिए। अगर आपके फोन में माई जियो का ऐप नहीं है तो आप जो कि है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माई जियो का ऐप है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ऐसा खुल के आ जाएगा। पर याद रखना, इसको यूज़ करने के लिए जो कि आपके फोन में इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट या आप वाईफाई से कनेक्ट करके इसे चेक कर पाते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप हमारा खुल गया, इधर कुछ ऐसा आएगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो इसको क्रॉस पे दबा देना, ठीक है। अब उसके थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करना तो यहाँ पे आपको आपका अकाउंट का डिटेल्स शो करेगा। इधर अगर आपका नंबर लॉगिन रहेगा माई जियो ऐप में तो इधर आपका जो कि है अकाउंट का डिटेल्स शो करेगा। पहले आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाएगा जो आपका जियो का मोबाइल नंबर है, उसके बाद जो कि है आपका डेटा पैक दिखाएगा कि आपका कितना डेटा पैक बचा है, और नीचे में दिखाएगा कि आपका कितना वाला प्लान है, ठीक है। जैसे कि इधर दिखा रहा है मेरा 1.99 GB डेटा भी मेरा बचा हुआ है, और लेफ्ट ऑफ 2 GB लिखा हुआ है नीचे, मतलब कि मेरा जो कि 2 GB डेटा रोज का मिलता है जिसमें से कि अभी 1.99 GB बचा हुआ है, तो उस हिसाब से ये दिखा रहा है, ठीक है। आपका हो सकता है कि 1.5 GB वाला पैक हो या कोई भी पैक हो, इधर आपको सब दिखा देगा, ठीक है। और इधर दिखाएगा आपका प्लान कितने रुपये वाला आपने रिचार्ज कराया है। जैसे कि मेरा इधर दिखा रहा है 749 का मैंने रिचार्ज कराया, इधर दिखा रहा है, और कितना दिन जो कि ये प्लान मेरा चलने वाला है, मतलब कितने दिन में खत्म होगा वो भी दिखा रहा है। जैसे कि इधर दिखा रहा है मेरा 27 डेज लेफ्ट, मतलब कि 27 दिन बाद जो कि है मेरा ये प्लान बंद हो जाएगा, ठीक है, वो भी इधर बता रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप ऐप से चेक कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कट कर दो, ठीक है, और आप इधर डायलर पैड खोल दो अपने फ़ोन में, ठीक है। और डायलर पैड खोलने के बाद आपको एक नंबर डायल करना है, इधर में आपको लिखना है 1299, ठीक है। ये नंबर को आपको जो कि है अपने जियो के नंबर से डायल कर देना है। इधर से आप डायल करोगे नंबर तो तुरंत कॉल लगेगा और तुरंत कॉल कट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक कॉल कट हो जाता है। और फिर आपको ये होने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना, आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे फ़ोन में एक मैसेज आया, अगर मैं इसको खोल के देखूं तो ये मैसेज में जो कि हम लोग को सब डिटेल्स देखने को मिलेगा। इधर में जो कि है हम लोग का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जो जियो का मोबाइल नंबर है, उसके बाद इधर दिखा रहा है हम लोग का जो कितना रुपये का हम लोग का रिचार्ज हमने कराया था वो बता रहा है, इसमें हम लोग को पर डे का कितना जीबी डेटा मिलता है वो बता रहा है, और अभी हमारा अवेलेबल डेटा बैलेंस कितना है वो भी बता रहा है, और एसएमएस कितना मिलता है और हमारा एसएमएस अभी कितना अवेलेबल है वो भी बता रहा है, एक्सपायरी कब होगा ये बैलेंस का वो भी बता रहा है। मतलब सब डिटेल्स जो कि टोटल डिटेल्स इधर मैसेज में आपको आ जाएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि है आप अपना जियो का जो डेटा बैलेंस या आपका जो भी वैलिडिटी पैक वगैरह है सब कुछ आप चेक कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक करके जाना, और आप अगर नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोग के लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।